डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। गणित का एक वायरल प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2021 में पक्का पूछा जाएगा। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो आपके चैप्टर है कक्षा 10 गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके वायरल हो चुका है। इस वायरल प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपको ये 4 नंबर अच्छे से तैयार करने हैं बोर्ड परीक्षा 2021 में तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। इस बार बोर्ड परीक्षा 2021 में जो पेपर होगा गणित का, वो आपके उसका जो पैटर्न है वो इस बार चेंज हो चुका है, और इस बार जो चैप्टर नंबर 16 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उससे आपके सूत्र है वो पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर ये 4 नंबर आपको अच्छे से तैयार करने हैं तो इन सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, पहला फार्मूला क्या आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6 × साइड स्क्वायर, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है आपके घन का आयतन, जो घन है उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब। और तीसरा फॉर्मूला है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 × cos θ है उसके बाद में ब्रैकेट है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या है, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में 4 नंबर पर आपको सूत्र दिया गया है घनाभ का आयतन, तो घनाभ है उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो इजी है आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में 5वां सूत्र है आपके घनाभ के विकिरण की लंबाई, यानी जो घनाभ है उसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, रूट लंबाई का स्क्वेयर प्लस चौड़ाई का स्क्वेयर प्लस ऊंचाई का स्क्वेयर, यानी जो घनाभ है उसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, रूट लंबाई का स्क्वेयर प्लस चौड़ाई का स्क्वेयर प्लस ऊंचाई का स्क्वेयर, तो ये सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। 6ठा फार्मूला है आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो बेलन है जो सिलेंडर है उसका CSC यानी उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2πRH, ये आपको ध्यान रखना है 2πRH। उसके बाद में 7वां फार्मूला है आपके बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πR cosθ R + H, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πR cosθ R + H। 8वां फार्मूला है आपके बेलन का आयतन, यानी जो बेलन है उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πR²H, क्या होता है, πR²H। 9 नंबर पर आपको फार्मूला दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 4πR², गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 4πR², जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2021 में पक्का पूछा जाएगा, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद में है गोले का आयतन, अब देखिए गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3πR³, क्या होता है, 4/3πR³। उसके बाद में 11वां फार्मूला है आपके अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 3πR², अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 3πR². उसके बाद में 12 नंबर पर आपको दिया गया है अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr² क्या होता है, 2πr². उसके बाद में 13 नंबर पर आपको फॉर्मूला दिया गया है अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2/3πr³। क्या होता है, 2/3πr³। उसके बाद में है घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण है उसका फार्मूला क्या होता है, √3 × साइड, यानी √3 × भुजा। किसका फार्मूला है, घन के विकिरण ज्ञात करने का। उसके बाद में 15 नंबर पर है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो खोखला बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2π cos r1 + r2 cos h + r1 - r2। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है खोखले बेलन का आयतन, यानी खोखला बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में है खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πh cos r1 2 - r2 2। πh cos r1 2 - r2 2। उसके बाद में 17 नंबर पर आपको सूत्र दिया गया है गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो गोलीय कोष है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 4π r1 2 - r2 2, यानी 4π × यानी cos r1 2 - r2 2। 18 नंबर पर आपको सूत्र दिया गया है गोलीय कोष का आयतन, तो गोलीय कोष का आयतन इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3π cos r1 3 - r2 3, यानी 4/3π उसके बाद में कोष्टक है r1³ - r2³। तो ये सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बनाने हैं तो ये सूत्र आपको पूरे अच्छे से तैयार करने हैं।